लेक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट मैथ, डेट 19, यूनिट नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड थे। अब कल हमने फैक्टराइजेशन समझ ली थी, आज हमारे पास कंप्लीटिंग द स्केयर। इसमें क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। इसका सॉल्यूशन 7x² + 2x - 1 = 0। इस मेथड में सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो उसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी दिया हो उसको पूरी टर्म में, जितनी टर्म होगी हर टर्म में वो साइड हम डिवाइड करते हैं। अब जो हमारे पास रिजल्ट ये क्वेश्चन है, इसमें 7 है, क्या करेंगे 7 को हर टर्म पे हम डिवाइड करेंगे, जिसमें लिखा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7 टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी इस एक्स स्क्वायर हाई पावर वाला वेरिएबल, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या किया, 7 को हर टर्म पे डिवाइड किया, तो हमारे पास रह ये रिजल्ट ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x - 1/7 = 0। फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है इस मेथड में, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -1/7 टू राइट साइड। राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद रिजल्ट मेरे पास ये x² + 2/7x = 1/7 फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका स्क्वायर दो साइड आएगा करोगे। इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास रिजल्ट बनेगा 1/7। क्या करेंगे, ये 1/7 का स्क्वायर इसी फर्स्ट इक्वेशन में उसका स्क्वायर दो साइड आएगा करूंगा, तो एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हुई है। क्या हमारे पास x² + 2/7x + ये जो मेरे पास 1/7 है इसका स्क्वायर साइड में भी ऐड करेंगे इज इक्वल टू 1/7 + 1/7 होल का स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो अब मेरे पास रिजल्ट बना ये तीन टर्म बनी है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मेरे पास अगर फार्मूला हो a² + 2ab + b होल का स्क्वायर, तो क्लोज किया है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। इस चीज को ओपन करें तो ये चीज बनेगी, मतलब इसका रिजल्ट ये x + 1/7 होल स्क्वायर = 1/7 + 1/7 का स्क्वायर है 1/49। अब ये वैसे के वैसे निकल जाएगी, इसको आप एल बाय एलसीएम आप सॉल्व करोगे, 7 और 49 का एलसीएम क्या आएगा 49। 7 को 49 पे डिवाइड करें, 7 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 49 को 49 पे डिवाइड करें 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 + 1/49। अब x + 1/7 होल का स्क्वायर = 8/49। अब इसके क्या करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर को लिया जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे आप इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करो, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करो, आपके पास क्या हो गया x + 1/7 होल स्क्वायर का स्क्वायर = ±√8/49। x + 1/7 इसको आप सॉल्व करो, 8 का जो अंडर रूट है आपके पास स्क्वायर रूट है, बनेगा 2 √2/49 + 7। अब क्या, अब x + 1/7 = ±√2/7। ये क्योंकि हमने x को आइसोलेट करने के लिए इसके साथ जो चीज ऐड हो रही होगी इस साइड पे आके क्या होगी माइनस, क्या करें +1/7 इधर आके क्या होगा -1/7। फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 7 को 7 में एलसीएम 7 आएगा, वो जगह -1 + -2 √2/7। अब ये जो x की वैल्यूज है, क्योंकि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यूज आ रही होती हैं वो उसके रूट्स होते हैं। अब इसके रूट्स क्या है, -1 + -2 √2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, और ये रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए जो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें सॉल्यूशन सेट में लिखे जाते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन सेट इक्वल टू माइनस
कंपाउंड और बन